तो यार दोस्तों, तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में कौन आ रहा है? कौन है जो तुम्हें अमीर बनने से रोक रहा है? वो कौन है जो तुम्हारे ड्रीम्स को, तुम्हारे सपने को पूरा नहीं होने दे रहा? मार्केट में कंपटीशन रोज नए लेवल पर बढ़ रहा है यार, पर आप शांत क्यों बैठे हो? क्या आप थक गए हो? क्या आपको अपने सपने पूरे नहीं करने? क्या आपको एक सक्सेस आदमी नहीं बनना? या फिर आपके पास बहाने ज्यादा आ गए हैं? अगर ऐसी बात है कि आपके पास बहाने ज्यादा आ गए हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खुद के बनाए हुए बहाने हमें सुनने तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये एक छलावा है, एक ऐसा छलावा जो खुद को सक्सेसफुल बनाने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, आज कोरोना का टाइम चल रहा है और मुझे थोड़ा सा फीवर, थोड़ा बुखार भी है, मेरा गला भी बैठा हुआ है, लेकिन मैं बहाने नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूँ वीडियो। ये मेरा पैशन है लोगों तक के पहुंचाने का। तो दोस्तों, अभी आपको तय करना होगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आप चुनौतियों का सामना करते हो, या फिर आप लोगों को खोखले बहाने बताते फिरते हो। अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों, तो आपके जो हेटर्स है आपके पीठ पीछे हंसेंगे। और काम करो तो ऐसा करो कि आपके जो हेटर्स है ना, वो आपको पीठ पीछे जलने लगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पीठ पीछे जलने लगे। मैं आपको एक वापस बात बता दूं कि आपकी जो सक्सेस है ना, वो थाली में परोस के हाथ में नहीं दी जाती। आपकी जो सक्सेस है ना, वो थाली में परोस के हाथ में नहीं दी जाती है। अपन को उस पर मेहनत करना पड़ता है, उस काम को लगन देना पड़ता है, तब जाके अपन सक्सेस हो पाते हैं। तो यार आज मैं आपके सामने 10 चैप ऐसे शेयर करने वालों, 10 बातें ऐसे शेयर करने वालों, 10 बहाने ऐसे शेयर करने वाला हूँ जो आपके लाइफ में आपको सक्सेसफुल आदमी बनाने से रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या पता आपके 10 बहानों में से एक बहाना आपका भी मिल जाए। नंबर 1, मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। नंबर 2, बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। नंबर 3, मैं अत्यंत गरीब घर से हूँ। नंबर 4, बचपन से ही मैं अस्वस्थ था। नंबर 5, मैंने साइकिल पर घूम घूम कर आधी जिंदगी गुजारी है। नंबर 6, एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। नंबर 7, मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। नंबर 8, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या होगा। नंबर 9, मेरी कंपनी एक बार डूब चुकी है, अब कौन मुझ पे भरोसा करेगा। नंबर 10, सबका फेवरेट, मेरे पास धन पैसा कुछ भी नहीं है काम चालू करने को। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको दे दूं कि उचित शिक्षा लेने का अवसर, उचित एजुकेशन लेने का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला, लेकिन आज उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। संगीतकार एआर रहमान के पिता का भी ध्यान बचपन में ही हो गया था और आज इतने बड़े संगीतकार है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी गरीब घर से थे, एक छोटे से गांव से थे, और आज के टाइम पे वे हमारे साइंटिस्ट के लिए इतनी बड़ी मिसाल बने। अकेडमी विजेता अभिनेत्री मर्ली मैटलिन भी बचपन से ही बहरी व अस्वस्थ थी और आज में इसने इतना बड़ा का नाम कमाया है। निर्मा डिटर्जेंट पाउडर के संस्थापक डॉक्टर करसन भाई पटेल ने भी अपनी जिंदगी साइकिल पर घूम घूम कर निकाली और आज के टाइम पे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर गए। और इतना ही नहीं, इतनी बड़ी डांसर सुधा चंद्रन के पैर नकली है। अपने पैशन को जारी रखने के लिए उसने अपने नकली पैर लगाकर डांस करना बंद नहीं किया, अपना डांस करते गई। लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। धीरूभाई अंबानी की भी एक छोटी सी नौकरी थी। दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता पेप्सी कोला भी 2 बार दिवालिया हो चुकी थी। और जो सबका फेवरेट है कि मेरे पास धन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी धन नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी का गहना बेचकर अपनी कंपनी चालू की। तो दोस्तों, आप ही बताओ कि आपके पैशन को, आपके काम को कर गुजरने की जो ताकत चाहिए, या फिर खोखले बहाने। अब कुछ लोग ये वीडियो देख के कहेंगे कि यह जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा, जो टैलेंट इन महानायकों में थी वो हम में भी होगी। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी नहीं कि जो टैलेंट, जो प्रतिभा आपके अंदर है वह इन महानायकों में भी हो। तो सार यही है कि आज आप जहाँ भी है, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते। जिंदगी चुनावों का परिणाम है यार, ये चुनाव आपका है, सफलता चाहिए या फिर खोखले बहाने। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।